अरे तिवारी जी, वो आपको गलत फहमी हो गई है। विभू तो उसका भैया है। भैया नहीं, सैया है। तिवारी जी, विभू मेरे सामने उससे फोन पर बात करता है और कहता है दीदी दीदी। आपके सामने कहते हैं दीदी दीदी और आपके पीछे कहते हैं बीवी बीवी। तिवारी जी, आप क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, आप बताइए कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि मेरी और विभू की डिवोर्स हो जाए? हाँ। What? नहीं, हम ऐसा क्यों चाहेंगे भाभी जी? अरे तो आप मुझे विभू के खिलाफ क्यों भड़का रहे? आपका किसी डिवोर्स लॉयर के साथ कोई कमीशन सेट है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं भाभी जी? अरे आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं तिवारी जी? क्योंकि हम आपके शुभ चिंतक हैं। मुझे तो लगता है कि आप मेरे शुभ चिंतक नहीं, अशुभ चिंतक हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? आपको और कुछ सुनाना है तिवारी जी? अभी के लिए तो बस इतना ही काफी है। Then thank you very much, तिवारी जी, क्योंकि मुझे अपने विभू पर पूरा भरोसा है। ये भाभी जी तो भभूति जी पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही है। लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। अगली बार हम ठोस सबूत के साथ आएंगे भाभी जी के पास। ये भभूति जी जब देखो भाभी जी से चौक की तरह चिपके रहते हैं और ये देखकर साला हमारे दिल पर छुरियां चल जाती है। चिपकू कहीं के। हम जितना भाभी जी से प्यार करते हैं उसका तो ये एक चौथाई भी प्यार नहीं करते होंगे। अभी इनको अलग करता हूं। भाभी जी घर पर हैं? क्या बदतमीजी, क्या बदतमीजी आपकी? Damn it! हमने क्या बदतमीजी की है? अगर पड़ोसियों का यहाँ आना बदतमीजी है तो माफ कीजिएगा, हमसे ज्यादा बदतमीजी तो आप करते हैं। हम आपके घर बेवक्त नहीं जाते हैं। अच्छा जी, ये बेवक्त क्या होता है, जरा प्रकाश डालेंगे? बेवक्त उसे कहते हैं जब पति पत्नी घर में अकेले हो और रोमांस कर रहे हो, तब आप जैसे कोई मोरन बीच में टपक जाए उसे कहते हैं बेवक्त आना। अगर हम ये कहें कि आप बेवक्त रोमांस कर रहे थे तो? एक्सक्यूज मी, रोमांस का कोई वक्त नहीं होता, समझे आप? रोमांस इज एज इज लाइक हार्मोनल हार्मोन्स गो फॉरगेट इट। तिवारी जी, आप कम से कम दरवाजा खटखटा के तो आ जाते। एग्जैक्टली माफ कीजिएगा भाभी जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो बत्ती बुझा के रोमांस करते हैं। सारा मूड खराब कर दिया। खुद तो अपने खेत में हल चलता नहीं है तो हमारे खेत में आ जाते हैं कौवे उड़ाने के लिए। अरे तो आपने कौन सी खरीफ की फसलें उगा रखी हैं अपने खेत में? अरे आप लोग क्यों बेफिजूल में बहस कर रहे हैं? विभु, तुम अंदर चलो। जस्ट होल्ड योर इमोशंस। आई एम होल्डिंग। तिवारी जी, आप जाने से पहले दरवाजा बंद करके जाइएगा। चलो डार्लिंग। इस आदमी के रोमांस के कीड़े कुछ ज्यादा ही बिलबिला रहे हैं। इसके रोमांस के कीड़ों पर ना हमने डीडीटी पाउडर छिड़क दिया तो हमारा नाम भी मनमोहन तिवारी नहीं चला। भाभी जी, क्या 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 हुआ क्या? हल्की सी कोई चीख सी आई और उसे हमारी चीखें निकल गई। क्या हुआ, क्या किया इन्होंने? अरे बहुत अजीब बात हुई, विभू करंट मार रहा है। मुझे मालूम है भाभी जी, इनका करंट जाने वाला है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे सही कह रहे हैं भाभी, दरअसल ये बीमारी हमारे दादाजी को भी थी। फिर ठीक कैसे हुई? बस हमारी दादी जी ने त्याग किया। 25 साल तक दादाजी को 10 फीट दूर रखा अपने आप से, पास तक नहीं पटकने दिया। तो आपको भी इनके साथ कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। क्या है ना भाभी जी, ये जो सर्किट है ये बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से उसमें करंट फ्लो बढ़ जाता है और इसके जलने का खतरा बना रहता है, तो ऐसे में मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? हम है ना भाभी जी। कुछ बका आपने?
हमने कहा हम हैं ना भाभी जी को हौसला देने के लिए। गॉड ओह गॉड, ये क्या हो गया, क्या कर लिया वे भूतों ने यार जी। ओह आई एम सॉरी, मैंने रियलाइज नहीं किया कि मुझ में करंट है। आई एम सॉरी। I'm sorry. Tiwari ji, go. बताइए, पति ने अपनी पत्नी को जुए में दाव पे लगा दिया। क्या जरूरत थी पति को अपनी पत्नी को जुए में दाव पे लगाने की? अरे, पत्नी कोई प्रॉपर्टी है क्या जो दाव पे लगा दिया? Disgusting. क्या हुआ भाभी जी? क्या भभूति जी ने आपको दाव पे लगा दिया? क्या बोल रहे हैं आप तिवारी जी? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं आप। क्यों विभू मुझे दाव पे लगाएगा? मैं कोई प्रॉपर्टी हूं क्या? मैं तो द्रौपदी की बात कर रही थी। अच्छा, वो शायद आपकी कोई सहेली होगी। नहीं नहीं तिवारी जी, महाभारत की द्रौपदी की बात कर रही थी। तो फिर आप महाभारत की द्रौपदी के बारे में क्यों परेशान हो रही हैं? अरे तिवारी जी, वो टीवी पे ना महाभारत का वही वाला सीन आ रहा था। अच्छा अच्छा, वही वाला सीन जिसमें वो युधिष्ठर जो है द्रौपदी को दांव पर लगा देता है। वो सीन जब भी हम देखते हैं ना, भाव विभोर हो जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक पति अपनी पत्नी को दांव पे लगा रहा है, जुए में हार रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है? नहीं नहीं भाभी जी, नहीं, आपको सब यही तो कह रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है। भाभी जी, वो तो पुराणों में लिखा है ना। अरे पुराणों में लिखा है तो फिर क्या हुआ? हाँ, वो औरत ही तो है ना। आप पतियों ने सोच के रखा है पत्नियां कोई प्रॉपर्टी होती है जो हार जाओ जुए में? अरे भाभी जी, अगर आपको डांटना ही है तो फिर युधिष्ठर को डांटिए ना। आप तो हमें ऐसा फील दे रही हैं जैसे हम ही ने द्रौपदी को दांव पे लगाया है। सॉरी तिवारी जी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। एक्चुअली आपको तो पता है ना कि जैसे ही मैं देखती हूँ औरत का अपमान हो रहा है तो मेरा खून खौल जाता है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। जी हम समझ सकते हैं भाभी जी, क्योंकि हम भी तो एक औरत से प्यार करते हैं। अच्छा, किस औरत से? है एक औरत। अच्छा जी, कौन है वो औरत? वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताइए। अंगूरी से। क्या बात है तिवारी जी, हस्बैंड हो तो आपके जैसा हो। हर कोई आपके जैसा कहाँ होता है। वैसे मैं कई बार पेपर्स में पढ़ती हूँ पति अपनी पत्नियों को जुए में हार गए, बड़ा बुरा लगता है। इन जुआरियों का कोई भरोसा नहीं है। जुआ होती ही बहुत बुरी लत है। जी भाभी जी, आप वाकई बहुत सही कह रही हैं। जुआ बड़े बड़े घरों को बर्बाद कर देता है। थैंक गॉड तिवारी जी, मेरा विभू है ना, उसको तो जुए की लत ही नहीं है। अच्छा भभूती जी, जुआ नहीं खेलते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा विभू बिल्कुल नहीं खेलता। मैं तो उसे पत्तों को हाथ भी नहीं लगाने देती। हाँ वैसे कभी कभी दिवाली के वक्त वो कहता है कि हम दो दो हाथ खेल लेते हैं, लेकिन नो, नेवर, मैं जो उसको हाथ लगाने दूं। मतलब लालटेन में तेल ऑलरेडी है, सिर्फ दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। तिवारी जी, कहाँ खो गए आप? नहीं नहीं भाभी जी, हम कह रहे थे कि आप बहुत सही कह रही हैं। ये जुआ जो है ना, बहुत लोगों को बर्बाद कर देता है। भगवान ना करे भभूति जी को जुए की लत पड़े। चलते हैं भाभी जी, चलते तिवारी जी, कुछ भी उल जुलूल बोल जाते हैं। हम क्या खोलेंगे, खुद ही खुल रही उनकी पोल। भाभी जी, भाभी जी, ये मीडिया वालों के मुंह नहीं लगते हैं, नहीं तो ये पीछे पड़ जाते हैं। देखिए ना तिवारी जी, खैर कैसे हैं? बस भाभी जी बिल्कुल अच्छे हैं। आप सुनाइए क्या हो रहा है। अरे क्या होगा तिवारी जी, आपने सुना?
एक गुंडा हप्पू सिंह की पकड़ से छूटकर भाग गया और साथ में उनकी पिस्तौल ले गया। अरे भाभी जी, ये हप्पू सिंह को पता नहीं है थानेदार किसने बना दिए, तो हवलदार तक बनने के काबिल नहीं है, सिर्फ न्योछावर मांगता रहता है। खैर छोड़िए ना, आप बताइए कैसे आना हुआ। बस भाभी जी, हम चांद को दावत पर आमंत्रित करने आए हैं। जी क्या मतलब? मतलब हम आपको हमारे यहाँ दावत पर आमंत्रित करने आए हैं। ओ तो क्या तिवारी जी, ऐसे बोलिए ना, आप कहाँ चांद तक पहुँच गए? चांद तक ही तो नहीं पहुँच पा रहे हैं तिवारी जी, फिर आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, आप जोर से क्यों नहीं बोलते? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि अंगूरी ने आपके लिए बिहार की एक स्पेशल डिश बनाई है, तो आप हमारे यहाँ आइए, वो डिश खा के उस डिश को कृतार्थ कीजिए। हाँ मुझे विपु ने बताया। ठीक है भाभी जी, तो आप हमारे यहाँ आइए और भभूति जी को भी साथ लेके आइए। जी बिल्कुल। बस भाभी जी, हम पलके बिछा कर आपका इंतजार करेंगे, खुदा करे के कयामत हो और तू आए। जी मतलब आप दोनों आए। क्या तिवारी जी, आप भी ना? हाँ भाभी जी, हम भी ना, चलते हैं। अच्छा।